हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे डुन्जो के बारे में। देखिए, डुन्जो इंडिया का एक ऐसा स्टार्टअप जो मेयरली एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ, लेकिन हाई डिमांड और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से डुन्जो हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टार्टअप विच इज़ बीइंग फंडेड बाय गूगल इटसेल्फ। और इस शानदार स्टार्टअप की शुरुआत हुई 2014 में, और इसे शुरू किया चार दोस्तों ने, कबीर, अंकुर, दलबीर और मुकुंद ने। और इन चार दोस्तों ने मिलकर के लोकल मार्केट की हाइपर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए एक शानदार फ्रेश बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा। इन्होंने सोचा कि इस मार्केट के अंदर जो हाइपर डिमांड है, वो डिमांड इस तरह से है कि लोगों को अपनी फेवरेट शॉप से प्रोडक्ट खरीदने के लिए खुद ट्रैवल करके जाना पड़ता है, जिसमें उनका टाइम और पैसा खर्च होता है। तो इन चारों दोस्तों ने मिलकर के एक स्टार्टअप शुरू किया कॉल्ड डुन्जो। डुन्जो के थ्रू आप अपनी किसी भी एरिया से अपनी फेवरेट शॉप से अपने प्रोडक्ट को अपने ही एड्रेस पर डिलीवर करवा सकते थे, क्योंकि लोकल मार्केट की हाइपर डिमांड को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कोई स्टार्टअप मार्केट में नहीं था, इसलिए डुन्जो इनका मार्केट में चल निकला। और डुन्जो धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। शुरुआती टाइम पीरियड में डिलीवरी करने के लिए खुद कबीर विश्वास बाइक से प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया करते थे, लेकिन डुन्जो जैसे जैसे सक्सेसफुल होता चला गया, इन्होंने इंप्लॉयज को हायर करना शुरू किया, बाइक मोपेड्स को हायर करना शुरू किया। धीरे धीरे इनके स्टार्टअप की सक्सेस बढ़ने लगी, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। इनका आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि मेयरली एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू किया गया स्टार्टअप अब मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका था। एक अच्छा बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनना डुन्जो का शुरू हो चुका था। और डुन्जो की अमेजिंग सक्सेस का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर डुन्जो जैसा व्हाट्सएप ग्रुप का स्टार्टअप लगभग 40 टाइम्स ग्रो कर चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।